Another vote out, another contestant is going home, got voted out today. Obviously, अच्छी feeling नहीं है, but what went wrong? Nothing went wrong. All good. I just opened up a bit too much. तो उस वजह से लोगों की फट गई और मुझे निकाल दिया सबने. ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर आप नहीं फटते तो आज सेफ होते? हाँ, फिर मैं ऐसे ही खड़े रहता अगले 20 दिन तक और वो बहुत बोरिंग होता. तो मेरे को जितने मेरे पास 12 घंटे थे वो एक्चुअली प्रिंस सर आए थे हमारे, बोला यार क्या खेल रहे हो, खुला खेलो, जैसे खेलना है इसकी मारनी है मारो इसको साले का राव. मैंने सोचा कि यार जब उन्होंने बोला है तो किसी रीजन से ही बोला होगा. क्या है अलायंस लाइंस, और पहले भी मैं अलायंस में खेल चुका हूं यार, आप ओवरशैडो हो जाते हो, बेकार हो जाता है. मतलब नाउ यू आर सैटिस्फाइड विद योर गेम? आई एम सैटिस्फाइड, यस. पीआई में क्या सोच के आए थे, अभी क्या चल रहा है दिमाग? पीआई में प्रिपेयर्ड आया था, सोचा सेलेक्ट होऊंगा और उसके बाद देख लूंगा. बस दिमाग में था कि सेलेक्ट होना होना है, और जब वो 3 बजर दबे तो मज़ा ही आ गया. और फिर प्रिंस भाई ने आके बात करी पर्सनली, बोला कि भाई तू आ मेरी गैंग में, तुझे जर्नी पे ले जाऊंगा, पक्का ले जाऊंगा. कहते मैं ठीक है भाई, इज़ वेरी जेन्युइन ब्रो, रियल है वो वहाँ पे. तो मैंने कहा प्रिंस भाई आप कह जाएंगे, हम बाकी फाड़ देंगे सबकी. आपको नहीं लगता अगर आप नहीं खुलते तो आज उधर खड़े होते गेम में? मैं रियल लाइफ में भी ना बड़ा चौड़ में रहता हूँ, अगर कोई आए ना मैं ना मुँह लगता हूँ या जो भी, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, यू नो आई मीन आई डू आई फॉलो दैट. यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल जस्ट फॉर स्टेइंग आई हैव टू टॉक टू एवरीवन, बी नाइस, दैट शिट यार. यू वर टायर्ड ऑफ बीइंग नाइस? आई वाज टायर्ड ऑफ बीइंग अ पर्सन दैट आई एम नॉट, राइट. मेरे को मैंने किसी को प्यादा बुलाने का मैं बोलूँगा ना, तो अभी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बोलूँगा तुम खड़े हुए प्यादे, आ हा हा, मेरे को अच्छा लग रहा है. पर उससे पहले मुझे अलायंस भी खेल रहा हूँ, मैं हमेशा मिलना पड़ रहा है हाय, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ही पता है कि भाई मैं उनको तुम्हें निकालूंगा, तुम मुझे मत निकालना. नहीं भाई, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ और गाली दे के गाली देना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ. तो 24 घंटे में जो भी करा मुझे बड़ा मज़ा आया. जैसे कि आपने बोला कि प्यादे हैं, कौन कौन प्यादे हैं? प्यादे हैं यार, सारे प्यादे हैं, जो भी जो अपना मुँह नहीं खोल रहे, जो टास्क नहीं कर रहे, जिन पे कुछ पर्सनैलिटीज़ ही नहीं है, और तो वो सारे प्यादे में ही काउंट होते हैं मेरे लिए. लॉट ऑफ प्यादे दे रहे हैं. गौतम सर की गैंग तो भी अच्छा खेल रही है, 6 हैं पर तगड़े हैं, देर गुड. और बाकी आपकी रिया मैम की गैंग में से आधे तो प्यादे हैं, बाकी ऋषभ हो गए, सचिन हो गए, भूमिका यही थोड़ा आउटशाइन कर रहे हैं, थोड़ा संभाल रहे हैं टीम को, बाकी तो बस हाँ जी वोट बैंक है बस. अगर आपको लगता था कि गौतम सर की टीम इतनी स्ट्रांग है तो आपने उनके साथ अलायंस क्यों नहीं बनाया? आई ट्राइड ऑन द फर्स्ट डे, राजवीर आया था कमरे में एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम वॉज कि पीहू ने ऐसे बोल दिया कि मुझे वाइब्स नहीं आ रही ऐसे करके. तो वहाँ से प्रियंका और उसका बाहर का रिश्ता है, तो फिर उसने बोला प्रियंका ने तेरे को वाइब्स नहीं आ रही, हमें नहीं बनानी. तो वहाँ से वो लड़ाई शुरू हो गई, वो जो अलायंस बनने वाली थी वो कभी बनी नहीं भाई. एंड देन फिर रिया मैम की गैंग से बनाना था, अब बाहर रिया मैम और प्रिंस का सर का भी इतना कुछ खास है नहीं, तो वो अलायंस ना चाहते हुए भी बनानी पड़ गई बिकॉज, और वो भी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैं पहले दिन से ही डेंजर जोन में था, तो दैट इज़ द रीज़न वो अलायंस बनानी पड़ी. बट इतनी बड़ी आपकी अलायंस थी, 2 टीम्स ऑलरेडी आप लोग साथ में थे, 16 लोग, उसके बावजूद आपको 14 वोट्स आए. हाँ, तो क्योंकि कल रात को मैंने बोल दिया था ना कि भाई देखो हम अपना खेलेंगे तुम अपना खेलो, क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. हम लोग यही सोचते हैं, परफॉर्म करके भी जब आते थे तो हम ये सोचते थे कि अरे यार संभाल लेंगे वोट्स हमारे पास, वो नहीं नहीं होना चाहिए यार गेम में, बंदा ना खुलता नहीं है, खुलना बहुत ज़रूरी है एक बंदे को, क्योंकि जब फटेगी तभी तो बंदा इधर उधर करेगा. फट ही नहीं रही, खड़े हुए चिल, 16 वोट पड़े हैं, फाड़ देंगे कुछ भी कर देंगे, वो अलग बात है. कभी ट्विस्ट आते हैं तो बच जाते हैं, पर फिर आपका दिमाग में तो रहते हैं नहीं अरे निकालते रहेंगे, उससे मज़ा नहीं यार. पर ऐसा नहीं लगा कि यार एक चांस मुझे मिल सकता था, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया? इतने 2 ही टास्क आपने परफॉर्म किए और बहुत अच्छे किए. हाँ यार, एक कोई थोड़ा स्ट्रेंथ वाला मिल जाता ना तो उसमें मुझे खुशी रहती, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना तगड़ा लड़का हूँ. वो मिस हो गया, क्योंकि फिर अगर उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क होता आई वुड लव इट, तो वो मिस हो गया बस. अच्छा, अब तो आप बाहर आ गए हो गेम के. अब जैसे कि प्रिंस और रिया का अब अलायंस टूट चुका है, रिया और गौतम ने अलायंस बना लिया है, आपको लगता है वो बहुत टाइम तक टिकेगा? टिकेगा, बट आई फील इफ थिंग्स गो राइट फॉर गौतम ही विल डोमिनेट लाइक क्रेजी, बिकॉज आई डोंट फील रिया मैम हैज स्ट्रॉन्ग बॉयज, यू नो एक दो हैं बट उसके पास 4 या 5 हैं. सो और उसके बाद लड़कियाँ भी बहुत तगड़ी हैं यार, वो पीयू है यार, वो बॉक्सर है, इतना तेज चलाते हाथ पैर, वो पल्लवी भी फिटनेस में अच्छी है, सो ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. तो अगर वो अलायंस है तो वो डोमिनेशन भी कर देगा यार, वो दिक्कत ही है. कौन लग रहा है कि वहाँ अंदर गेम खेल रहा है एंड बहुत शातिर है? बहुत शातिर है नहीं है, सब अभी सीख ही रहे हैं, कोई शातिर नहीं है.
ऋषभ ठीक खेल रहा है बट इज टू लो की ब्रो, यू शुड प्ले ओपन थोड़ा, इन्हें तो दिखेगा नहीं बाहर, वो उस पर एक अपॉर्चुनिटी है उसको, सचिन को भी थोड़ा ना थोड़ा दिखाना चाहिए, वो दिखा नहीं रहा है अपने आप को, वो बहुत लो की, या तो वो बंदा ही इतना यू नो रिजर्व्ड ऐसा हो सकता है। बाकी सिवेत सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए खेल रहा है और गंद मचा रहा है, वो जो भी कर सकता है वो ट्राई कर रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है। प्रक्रम अच्छा खेल रहा है मेरे हिसाब से, शांत है, वॉर्म करता है, चौड़ में रहता है, प्रक्रम इज प्लेइंग गुड आई फील। सो हु डू यू थिंक इज गोना बी द विनर? मेरे हिसाब से तो आई फील पर्सनली इफ आई वुड वांट तो इट शुड बी प्रक्रम। प्रक्रम बिकॉज़ ही इज प्लेइंग गुड, ही इज प्लेइंग रियली गुड, ही इज प्लेइंग रियली गुड, रियली स्मार्ट एज वेल एंड ही इज परफॉर्मिंग रियली गुड। कोई ऐसा था जो अनएक्सपेक्टेड था, जैसे कि ऋषभ ने बोला 14 नहीं 17 पीपल आर अगेंस्ट यू, आपकी टीम में से भी? आई थिंक स्मार्टली इट इज शिवेद, इट इज वाशु एंड आशिका, बिकॉज आई वॉज वेरी ओपन एंड खुल्ला एकदम बोल रहा था कि अंशिका क्या बोल रही, मेरी प्रायोरिटी है मोगली, मैंने कहा मोगली मैच निकालो। शिवेद शिवेद डरता है क्योंकि जब तक मैं गैंग में था तो ऑलवेज आई एम द फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑब्वियसली बात है यार, शिवेद कम सेकेंड। तो और वाशु ना, वाशु तो दिख ही नहीं रहा बेचारा, तो उसको भी खेलना शुरू करना चाहिए, वो बच्चा यार इनोसेंट है, बट या तो यही तीन होंगे मेरे हिसाब से। तो प्रियंका ने तो नहीं डाला होगा, और दोनों प्रियंका ने डाला होगा मेरे हिसाब से, प्रेम भाई ने भी डाला होगा, एंड जोगिंदर तो दिल का साफ है तो आई फिर इससे भी नहीं डाला होगा अगर वो चाहते। उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे जिन्होंने आपको वोट आउट किया? कुछ नहीं यार, तगड़े होके खेलो यार, थोड़ा और खुले में खेलो, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। मतलब यू थिंक के बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको अपनी गेम थोड़ी अच्छी करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए यार, इतनी लो की मत करो यार, चलाओ यार कुछ करो, थोड़ा ना सिस्टम बदलो भाई, बस खड़े मत रहो। प्रिंस सर को ऑप्शन था कि वो अपने 5000 रोडियम्स देकर आपको इम्यून कर सकते हैं, बट स्टिल यू लाइक के सेव योर रोडियम्स, व्हाई वुड यू डू दैट? बिकॉज़ मैंने इसलिए नहीं इम्यूनिटी मांगी, क्योंकि अगर मैं इम्यूनिटी मांगता तो सिवेज जाता, और मैं ना टीम की सोचता हूँ, तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे गैंग में, क्योंकि जैसे आज मैं निकल गया मुझे पता है कहीं ना कहीं टीम बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई हमारी, तो इसलिए मैंने कहा इम्यूनिटी नहीं मांगी, और हमने कमाई भी नहीं है ऐसा कुछ यार। डांस टास्क जो हम जीते वो बहुत ज़्यादा हम प्रिंस भाई की वजह से जीते है ना, तो फिर और मैंने ऐसा कुछ स्पेशल करा भी नहीं, तो मैंने नहीं मांगी, मैंने कहा इट्स फॉर द टीम, बिकॉज मुझे पता है रोडियम्स बाद में बेनिफिशियल होंगे इन द जर्नी, सो दैट इज़ व्हाई आई पिच फॉर माई इम्यूनिटी। अगर किसी और गैंग में होते तो आपको लगता है सर्वाइव कर पाते? नहीं, अगर मैं किसी और गैंग में होता तो मैं गौतम गैंग में होना चाहता, बट वहाँ पे भी मैं दब दब के रहता, क्योंकि गौतम सर ना हमेशा बोलते रहते हैं ओ तू चुप कर, तू चुप कर, तो वहाँ पे भी मैं मजे नहीं मारता, यहाँ मैंने बहुत खुला खेला, आई लव्ड इट मैन। यू आर हैप्पी विद योर गैंग? आई एम इन लव विद माय गैंग, आई एम इन लव विद प्रिंस भाई ब्रो, आई लव्ड इट, खुला तो हो पाएगा कम से कम, मैं आई कैन बी माई सेल्फ। चलता रहता है एक रियलिटी शो, बट यू डिड अनदर शो एज वेल। या आई एम हैप्पी अबाउट इट, यहां पे लोगों को नहीं मिलता है सेकंड अपॉर्चुनिटी, नहीं मिलती ऑब्वियसली। या रोडी से तभी स्पेशला मिल जाता है, स्पेशला से रोडी जाना इज अनदर थिंग, और मैं ऐसा कुछ करके आया कि मेरे को दूसरा शो मिला, और मुझे पता है इन लाइफ यू आई गेट मोर शोज, आई नो दैट, मैं यहां तक भी आया जितना भी हुआ है 6 दिन सवाई गया, आई एम गुड ब्रो, आई एम गुड, ऑब्वियसली बेटर थिंग्स आर कमिंग फॉर यू यार 100%। एनी मैसेज टू योर गैंग लीडर एंड योर टीम? गैंग लीडर के मेरी मुझे थैंक यू प्रिंस भाई फॉर हैविंग मी, इट वॉज अ प्लेजर, आई हैव लर्नड अ लॉट इन द पास्ट 5-6 डेज मैन, जितना मैं लाइफ में नहीं सीख पाया। और दूसरी बात अपने गैंग के लिए, गाइस स्टे स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू हैव टू, इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे, जीतेगा एक ही, तो स्टे स्ट्रॉन्ग, प्ले वेल, व्हाटएवर यू कैन डू इट टू गिव योर बेस्ट। एनी मैसेज टू द अदर गैंग मेंबर्स? हाँ कि उनको यार थोड़ा और खुला खेलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अभी डर डर के खेल रहे हैं, खास करके रिया गैंग, वो लोग तो सर्वाइव कर रहे थे बेचारे अभी तक गौतम गैंग, तो उनकी तो पटरी रहती है, बट गौतम गैंग भी मेरे को लगता है खाली हो जाती, पर वो ट्विस्ट उनके साथ है, सो ट्विस्ट ने बचा लिया, नहीं तो वो पहले ही खाली हो जाती, उसमें से एक लड़का या लड़की पक्का निकल जाते पहले ही, तो वो थोड़ा सेफ हो गए वो लोग उस चक्कर में। वैसे दे शुड गेम अप, इट्स टाइम मैन, बट आई एम रियली प्राउड यार, यू वर एबल टू शाइन टुडे, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इतना बोलने का, निकले चौड़ में, निकले चौड़ में ब्रो, एंड आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैन, आई होप आई सी यू इन अदर शोस, यू विल ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय श्रेया, इट वाज सो फन वाचिंग यू, यू डिड गुड, थैंक यू, एंड दिस इज योर इनसाइडर श्रेया कारा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक एमटीवी रोडीज करमिया खंड, बाय।